हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सिंघम अगेन की, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान ने सिंघम अगेन के कैमियो को शूट कर लिया है। और ये भी जानते होंगे कि सलमान खान ने ये कैमियो कितनी बार कैंसिल होने के बाद शूट किया है। अभी 4-5 दिन पहले खबर आई थी कि बाबा सिद्दीकी इंसिडेंट की वजह से अब सलमान खान काफी दिनों तक फिल्मों की शूटिंग से दूर रहेंगे, लेकिन रोहित शेट्टी ने कैसे भी करके सलमान खान यानी कि चुलबुल पांडे को कॉप यूनिवर्स में ले लिया है। तो कहा जा रहा है कि सलमान खान यानी कि चुलबुल पांडे सिंघम अगेन के पोस्ट क्रेडिट सीन में नजर आएंगे। ये 2 मिनट का सीन होगा जहां पर चुलबुल पांडे सुपर हीरो की तरह एंट्री मारते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ये हिंदी सिनेमा का सबसे खास सीन होगा, जिसे देखकर फैंस सीटियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब इंतजार करते हैं 1 नवम्बर का और देखते हैं सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे का कैमियो कैसा होता है। आप इस कैमियो को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और कौन कौन है जो सिर्फ सलमान खान के लिए सिंघम अगेन को देखने वाला है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अजय देवगन को लेकर एक खबर ये भी है कि नाम फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ये वही नाम है जिसे अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया है। अनीस बज्मी और अजय देवगन की ये फिल्म 2013 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बार बार पोस्टपोन हो रही थी। तो अब नाम फिल्म के मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म अगले महीने 22 नवंबर को रिलीज होगी। जी हाँ, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के 21 दिन के बाद अजय देवगन और अनीस बज्मी की ये फिल्म रिलीज होगी। उम्मीद है कि इस बार ये फिल्म पोस्टपोन ना हो और ये फिल्म 22 नवंबर को ही रिलीज हो। खबरों की माने तो कमल हसन की थग लाइफ प्रभास की दिराजा साहब फिल्म से क्लैश होगी। जी हाँ, कहा जा रहा है कि थग लाइफ के मेकर्स भी 10 अप्रैल 2025 की प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रभास की दिराजा साहब पहले से ही 10 अप्रैल 2025 के लिए कंफर्म हो गई है। थग लाइफ के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब वैसे तो मुश्किल है, लेकिन अगर ये दोनों फिल्में आती हैं तो भाई बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। रही बात जॉली एलबी 3 की, तो सी शंकर नायर बायोपिक की वजह से ये फिल्म 10 अप्रैल को नहीं रिलीज होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से एक महीने के अंदर अक्षय कुमार की 2 फिल्में नहीं आएंगी। पूजा हेगड़े वरुण धवन के साथ है जवानी तो इसको होना है फिल्म में नजर आएंगी। है जवानी तो इसको होना है फिल्म में वरुण धवन के साथ मुन्नाल ठाकुर और श्रीलीला को साइन किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से श्रीलीला इस फिल्म से बाहर हो गई हैं। तो अब श्रीलीला की जगह इस फिल्म में पूजा हेगड़े को साइन किया गया है। हे जवानी तो इसको होना है एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसे डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। शूटिंग स्टार्ट हो गई है और कहा गया है कि फिल्म अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी। कुली फिल्म के बाद रजनीकांत की अगली फिल्म कंफर्म हो गई है, जिसे नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट करेंगे। जी हाँ, ये जेलर 2 होगी, जिसमें रजनीकांत एक बार फिर से मुथुवेल पांडियन के रोल में नजर आएंगे। डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने खुद कहा है कि कुली के बाद जेलर 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। अभी रजनीकांत कुली फिल्म पर काम कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग 2025 के शुरू में खत्म होगी। जेलर 2 की कहानी कंप्लीट हो गई है, तो कुली को कंप्लीट करने के बाद रजनीकांत जेलर 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। जेलर 2 2025 एंड या फिर 2026 के शुरू में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर ये है कि स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। स्पाइडरमैन 4 को डेस्टिन डेरिंग क्रेटन डायरेक्ट करेंगे और ये फिल्म जुलाई 2026 में रिलीज होगी। तो 2026 के लिए एमसीयू की 2 बड़ी फिल्में कंफर्म हो गई हैं। ये एमसीयू के अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट है, जिसमें आप 2027 तक की फिल्मों को देख सकते हैं। यानी कि अभी के लिए स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच रिलीज होगी। हालांकि अभी 2027 के लिए कुछ और फिल्मों को भी अनाउंस किया जाएगा। तो स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग मिड 2025 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म जुलाई 2026 में रिलीज होगी। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुलाई 2026 में टॉम हॉलैंड की एक और बड़ी फिल्म आने वाली है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि क्रिस्टोफर नॉलन की अगली फिल्म में मैट डेमोन के साथ टॉम हॉलैंड को साइन किया गया है। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर नॉलन की इस फिल्म की शूटिंग 2025 के शुरू में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 17 जुलाई 2026 को रिलीज होगी। जी हाँ, क्रिस्टोफर नॉलन की ये फिल्म स्पाइडरमैन 4 के 7 दिन पहले रिलीज होगी। पर मुझे जहाँ तक लगता है, इन दोनों में से किसी एक फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होगी। अब वो कौन सी फिल्म होगी, तो वो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। काजोल और कृति सनन की 2 पत्ती नेटफ्लिक्स पर आ गई है। 2 पत्ती एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी एक पुलिस ऑफिसर और 2 जुड़वा बहनों के इर्द गिर्द बुनी गई है। IMDB पर इस फिल्म को 5% की रेटिंग मिली है, यानी कि आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। तो 2 पत्ती फिल्म को आप अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। क्या आपकी तकलीफें दुगनी होने वाली हैं? Shut the front door. कोरियन सुपर नेचुरल थ्रिलर सीरीज हेलबॉर्न सीजन 2 आ गया है। हेलबॉर्न का पहला सीजन 2021 में रिलीज हुआ था, जिसे काफी पसंद किया गया था। ये कोरियन इंडस्ट्री की सबसे अच्छी सीरीज में से एक है, जिसे अभी IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है।
तो अब इसका दूसरा सीजन आ गया है जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। वैसे क्या आपने हेलबॉर्न सीजन 1 को देखा है? अगर देखा है तो ये सीरीज आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।